बात एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करेंगे। दरअसल आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात दिल्ली में होने जा रही है और दिल्ली आने से पहले शिवराज ने यह कहा कि वो सिर्फ बुधनी के विधायक बनकर भी काम करने को तैयार है। माना जा रहा है कि आज शिवराज सिंह चौहान के सियासी भविष्य पर चर्चा की जा सकती है। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा भी सियासी गलियारों में हो रही है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेगा सबको देंगे काम। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहां पीछे रहेंगे, इनको काम देंगे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई भूमिका क्या होगी, आज इसका फैसला हो सकता है। आज शिवराज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। 16.5 साल से ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज के सियासी भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा चल रही है। खबर है कि जेपी नड्डा से शिवराज की इन विषयों पर बात हो सकती है। एमपी में मंत्रिमंडल गठन से पहले जेपी नड्डा शिवराज से मंथन कर सकते हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इस पर मंथन संभव है। शिवराज के सियासी भविष्य पर चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि शिवराज को दिल्ली में मंत्रिमंडल या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने पर चर्चा हो। एजेंडा आज तक के मंच पर जेपी नड्डा ने शिवराज की अगली जिम्मेदारी पर खुलकर बात की थी। अगर मैं शिवराज जी का केस लूं, फिर बैठ जाइए, नहीं सब नहीं हमारा। अच्छा ठीक, आपने बोला नए काम में लग जाइए। क्या नया काम देंगे? मिलेगा, सबको देंगे काम। दिल्ली बुलाएंगे अपने पास? वो तो आप लोग मिल करके तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे। और ये सब हमारे आफ्टर ऑल इतने वरिष्ठ नेता, 15 इयर्स 16 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहां पीछे रहेंगे, इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। इससे पहले शिवराज दिल्ली जाकर पार्टी से कुछ मांगने के सवाल पर कह चुके हैं कि वो मांगने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। हालांकि ये करीब करीब नामुमकिन है कि शिवराज मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हो। वैसे तो शिवराज हमेशा कहते रहे हैं कि वो पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए जैसा पार्टी कहेगी वो करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले शिवराज ने कहा कि वो नए सीएम मोहन यादव को पूरा सहयोग करेंगे। मैं श्री मोहन यादव जी को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जगदीश देवड़ा जी को और आने वाले मंत्रिमंडल को न केवल शुभकामनाएं देता हूं बल्कि सकारात्मक और सक्रिय सहयोग करूंगा। विधायक दल के नेता के नाते वो हमारे भी नेता है। सवाल है कि शिवराज नई भूमिका के तहत क्या भोपाल से दिल्ली आएंगे या फिर एक लोकप्रिय पूर्व सीएम अपनी बुधनी विधानसभा के विकास तक ही सिमट के रह जाएंगे। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।